हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज प्राची। और आज आपको बताने वाली हूँ अनेक मूवी की स्टोरी। बात करें इस मूवी के ओवरव्यू की, तो इसमें हम पहली बार अपने देश के नॉर्थ ईस्ट के लोगों का स्ट्रगल और उनकी परेशानियों को देखेंगे। ये मुद्दा सुनने में इम्पोर्टेंट भले ही ना लग रहा हो आपको, लेकिन हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लुक्स को लेकर हमारा समाज हमेशा से ही भेदभाव करता आ रहा है। यहाँ इसी भेदभाव को कम करने का काम आयुष्मान खुराना का है, तो कैसे वो इस चुनौती को पूरा करेंगे यही हम इस वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एडो को दिखाया जाता है जो कि एक क्लब में अपने एक फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गई होती है कि तभी वहां पर पुलिस रेड मार देती है, जहां एक लेडी पुलिस कांस्टेबल एडो को उसके लुक्स की वजह से बहुत ज्यादा मारती है और फिर वो उसे गिरफ्तार भी कर लेती है ये समझते हुए कि वो इंडियन नहीं है। बात करें एडो की, तो वो एक बॉक्सर है जो कि इंडिया के लिए बॉक्सर चैंपियनशिप में खेलना चाहती है। और नेक्स्ट डे जब एडो प्रैक्टिस के लिए जाती है, तो उसे ये पता चलता है कि नेशनल सेलेक्टर ने उसको सिलेक्ट ही नहीं किया है। फिर एडो के कोच नेशनल सिलेक्टर के पास जाकर उन्हें बताते हैं कि जो पिछली रात को एडो के साथ कांड हुआ है, उसमें उसे कोई भी सजा नहीं हुई है, क्योंकि एडो ने किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया था। फिर नेशनल सिलेक्टर एडो के कोच को समझाता है कि मुद्दा एडो की हरकतों का है ही नहीं, जबकि उसके लुक्स का है। नेशनल अथॉरिटी उसके जैसे दिखने वालों से इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते हैं, जहां उन्होंने एडो की जगह ही एक हरियाणा की लड़की को सिलेक्ट कर लिया है। कोच अपनी इस बातचीत को जब एडो को बताता है, तब एडो यही बोलती है कि इस भेदभाव का बदला वो रिंग में निकाल लेगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें अमन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसे अंडरग्राउंड रहकर मिशन कंप्लीट करने के लिए 10 साल का अनुभव है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में हर किरदार को निभाया है। जैसे कि वो मिशन के लिए गैंगस्टर भी बना है, तो कभी ड्रग डीलर। लेकिन हमें वो 3 साल पहले की स्टोरी बताता है जो कि उसके साथ में घटी थी। यहाँ उसे मिशन में टाइगर सांगा और हमारी सरकार के बीच में शांति समझौते को ही पूरा करवाना था। यही अमन का मेन मिशन था। बात करें टाइगर सांगा की, तो इस बंदे के पास खुद की एक अलग वादी आर्मी थी, जो कि पिछले 60 साल में एक बार भी इंडियन आर्मी से नहीं हारी थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइगर सांगा को दिखाया जाता है, जो कि एक इंटरव्यू में बता रहा था कि वो लोग इंडिया का हिस्सा नहीं है, ना ही वो खुद को इंडिया का हिस्सा मानते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में उनकी मीटिंग इंडियन गवर्नमेंट से है, जिसमें वो शांति का सुझाव पर बात करेंगे। वही अमन को नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, जो कि फिर से अंडरकवर है और इस बार उसका नाम जोशुआ है। वहाँ के लोगों के बीच अमन काफी ज्यादा घुल मिल गया था और अमन का काम भी यही था कि वो शांति समझौते के दौरान कोई और अलगवादी ग्रुप टाइगर सांगा और सरकार के बीच में ना आ पाए। सो इसलिए अमन जोशुआ बनकर काफी अलगवादी ग्रुप का हिस्सा बनता है। तो उसे ये पता चलता है कि जॉनसन नाम का एक अलगवादी ग्रुप यहाँ इस टाइम पे काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है। तो जब जोशुआ जॉनसन की तलाश में एक डीलर से मिलता है, जिसमें वो ड्रग्स के बदले उन्हें हथियार देगा, तो जोशुआ को उस पर शक हो जाता है कि यही लोग हैं जो कि जॉनसन ग्रुप के मेंबर हैं, क्योंकि उन्हें हथियार जो चाहिए थे। लेकिन वो डीलर जोशुआ को बता देता है कि वो जॉनसन नहीं है, बल्कि किसी और ग्रुप से ही बिलोंग करता है। लेकिन तभी उस डीलर के आदमी जोशुआ को गन पॉइंट कर लेते हैं और वहां से उस डीलर के साथ में निकल जाते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि पुलिस वालों की एक टीम उन्हें पकड़ने वहां पर आ रही होती है। पर जोशुआ का एक दोस्त कॉल करके उसे पुलिस के बारे में बता देता है। फिर जोशुआ डील को फाइनल करके वहां से डीलर के साथ में भागने लग जाता है और डीलर जोशुआ को उसके साथ चलने को बोलता है, पर जोशुआ डीलर की मदद लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि वहां से कैसे निकलना है। तो अब बात करें जोशुआ की, तो इस मिशन में उसकी मदद उसका एक दोस्त और एक आंटी कर रही होती है। यही वो आंटी थी जिसके घर में अमन भी रहता था। और हम देख पाते हैं कि जोशुआ और एडो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। जोशुआ एडो के करीब इसलिए था क्योंकि वो एडो के जरिए उसके पिता बाघ नाम तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि बाघ नाम जॉनसन ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ था। दोस्तों, यहाँ बहुत ही अच्छा सीन दिखाया जाता है कि एडो बॉक्सर बनकर इंडिया के लिए इसलिए खेलना चाहती थी क्योंकि वो अपनी और अपने लोगों की आवाज बनकर उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना चाहती थी। वहीं उसके डैड ठीक उसके ही उल्टा सोचते थे, क्योंकि ये हमारा देश नहीं है और इस देश के लोग हमें अपना नहीं रहे हैं। फिर जाहिर सी बात है कि सरकार भी उन्हें क्या ही अपनाएगी। हर 500-600 मीटर पर एक इंडियन आर्मी का सैनिक खड़ा है, जो कि उनके हर बच्चों और उन लोगों को ऐसे घूरता है जैसे कि वो लोग आतंकवादी हों। बागनाथ पेशे से टीचर था और इसी का फायदा उठाते हुए वो यही सब भड़काऊ बातें अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता था कि वो इस देश की नहीं है। सी
सीन शिफ्ट होता है और हम टाइगर सांगा को एक मीटिंग में देखते हैं जहां गृह मंत्री भी अपने सलाहकार यानी कि अक्रम के साथ आए हुए थे और सब लोग शांति के समझौते पर ही बात कर रहे थे। और हमारे मंत्री साहब टाइगर सांगा को उनकी पार्टी से जुड़ने के लिए बोलते हैं ताकि उन्हें सीएम बनाया जा सके, जहां इसके लिए उन्हें एक रैली में निकालनी होगी ताकि लोगों के बीच में अलगवाद ना हो। टाइगर सागर शांति समझौते के लिए पेपर पर साइन करने से मना कर देते हैं, जहां अक्रम उसे जॉनसन ग्रुप के बारे में बताता है जो कि लोगों को भड़का कर सरकार के खिलाफ उनके करने के लिए और इंडिया से अलग होने के लिए बोल रहे थे। और ये दिक्कत सिर्फ उनकी नहीं थी क्योंकि जॉनसन खुद टाइगर सागर को भी इस इलेक्शन में जीतने नहीं देंगे। और ये सुनकर टाइगर सागर गवर्नमेंट से डील कर लेता है कि अगर वो जॉनसन ग्रुप को खत्म कर देते हैं तो वो शांति समझौते के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर अक्रम अमन को कॉल करके जॉनसन के लीडर को पकड़ने और साथ ही उनके हाइडआउट के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है। और यहाँ गाइस ये रिवील होता है कि जॉनसन ग्रुप को अमन ने ही बनाया है ताकि इस ग्रुप को देखकर टाइगर सांगा शांति समझौते के लिए तैयार हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब सच में जॉनसन नाम का एक ग्रुप बन गया है जो कि अलगवादी और उग्रवादी दोनों है। वहीं इन सब के बीच हम निको नाम के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि उसी आंटी का बेटा था जो कि अमन को अपने घर में रख रही थी और उसकी हेल्प भी कर रही थी। और अब निको जॉनसन ग्रुप से ज्वाइन हो जाता है और जब उनके साथ मिलकर बहुत ज्यादा गलत काम करने लग जाता है तो एक दिन निको और काफी सारे अलगवादी बच्चों को पुलिस उठाकर अपने साथ मिली जाती है। निको के पकड़े जाने के बाद अमन और उसकी माँ तक पहुँच जाती है तो अमन आंटी के साथ में पुलिस स्टेशन जाती है निको को छुड़वाने के लिए, जहाँ पर अमन को बहुत सारे पिंजरे में बच्चे दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर अमन समझ जाता है कि ये सिर्फ बच्चे ही नहीं हैं बल्कि हमारे देश का भविष्य हैं जो कि जॉनसन ग्रुप की वजह से यहाँ पर कैद हो गए हैं। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद अमन को निको मिल जाता है और वो उसे लेकर आंटी के पास आ जाता है, जहाँ आंटी निको को डांटती हैं तो वो अलगवादी के ग्रुप जॉनसन से क्यों जुड़ा है। वहाँ अमन भी निको को समझा रहा था कि उसे अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए और इन सब बातों और समस्याओं को हल करने के लिए काफी बड़े लोग अभी भी जिंदा हैं जो कि अभी लड़ रहे हैं। साथ ही वो निको को कुछ दिन के लिए बाहर जाने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हमें टाइगर सांगा से ये पता चलता है कि जो जॉनसन ग्रुप अभी बना है उसका लीडर पहले टाइगर सांगा के लिए काम किया करता था जो कि अब अलग होकर उसके खिलाफ हो चुका है। फिर एक बार दोबारा से पुलिस वाले गाँव में आते हैं और एक छोटे बच्चे को अपने साथ में उठाकर ले जाते हैं ताकि वो उसे जॉनसन के बारे में पूछताछ कर सकी। जब वो बच्ची वापस आती है तो एडो और उसके पिता वहाँ उस बच्चे के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके साथ उन्होंने क्या किया है, जहाँ ये पता चलता है कि पुलिस वालों ने उस बच्ची को टॉर्चर किया था। और ये सुनकर एडो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। नेक्स्ट डे उनके इलाके में टाइगर सांगा की आर्मी के लोग आते हैं और गांव वालों को धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने जॉनसन ग्रुप को सपोर्ट करना बंद नहीं किया तो वो उन सबको मार डालेंगे। ये सुनकर निको टाइगर सांगा के आदमियों पर पत्थर चला देता है और अब गांव वाले भी उन पर टूट पड़ते हैं और दोनों ग्रुप में घमासान युद्ध हो जाता है, जहाँ इनकी लड़ाई के बीच में हमें ये भी पता चलता है कि होम मिनिस्टर जहाँ भाषण देने के लिए रैली को निकाल रहे थे वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। सो अब इस तनाव के माहौल को शांत करने के लिए अक्रम अमन को बुलाकर जो उसे जॉनसन को पकड़ने के लिए बोलता है क्योंकि सिर्फ वही है जो कि शांति समझौता नहीं होने दे रहा है। लेकिन अमन उसे बोलता है कि जॉनसन तो लोगों की आवाज बन रहा है, साथ ही वो लोगों पर हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है और वही टाइगर सांगा लोगों पर जुल्म कर रहा है तो वो टाइगर सांगा से शांति समझौता क्यों कर रहे हैं। यहाँ आम आदमी सिर्फ सही और गलत को देख रहा था, पर सोचो कि अगर सरकार टाइगर सांगा को सपोर्ट करने की बजाय जॉनसन का सपोर्ट करेगी तो टाइगर सांगा जंग का माहौल बना देगा जो कि आम जनता के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहीं जब वो टाइगर सांगा को सपोर्ट कर रहे थे तो जॉनसन ने हालात को सिर्फ खराब किया था। ये हाई लेवल पॉलिटिक्स है जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। फिर अमन की बातों को सुनकर अक्रम समझ जाता है कि अमन उनके खिलाफ भी जा सकता है, जहां वो एक और ऑफिसर वीर को अमन के साथ जोड़ देता है ताकि उसे दूसरे ऑफिसर के जरिए अमन की सारी जानकारी मिलती रहे। नेक्स्ट सीन में हम अमन को एडो के घर पर देखते हैं जो कि इसे बताता है कि माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। वहाँ अमन की बातों को सुनकर एडो भी अपना बैग पैक करने लग जाती है और इसी दौरान हम देखते हैं कि अमन एडो के पिता बाग नाम के कमरे में जाकर जॉनसन से रिलेटेड को सबूत होने लग जाता है कि तभी उसे एडो देख भी लेती है। फिर एडो अमन से उसकी असलियत पूछती है तो अमन उसे सच बता देता है कि वो अंडरकवर ऑफिसर है और ये सुनकर एडो का दिल टूट जाता है क्योंकि अमन बस उसके डैड तक पहुँचने के लिए उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। ये सब कुछ जानकर एडो अमन को अपने घर से भगा देती है। और वहीं दूसरी तरफ जॉनसन और टाइगर सांगा के लोगों के बीच में फाइटिंग शुरू हो चुकी थी जिसमें निक वो टाइगर सांगा के आदमियों को मार देता है। वहीं अक्रम टाइगर सांगा के पास आकर उसे शांति समझौते का साइन करने के लिए बोलता है, साथ ही अक्रम उसे ये भी बोलता है कि उसे हमारे संविधान को ही मानना होगा क्योंकि कोई भी नया कानून नहीं बनेगा।
टाइगर सांगा के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता है और वहीं अकरम अपनी माँ से मिलने के लिए कश्मीर चला जाता है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। वहीं दूसरी तरफ अमन भी अब बाग नाव के पास जाकर उसे जॉनसन ग्रुप को बंद करके सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन बाग नाव सरेंडर करने से साफ इनकार कर देता है और उसे आम लोगों की परेशानियों के बारे में सब कुछ बता देता है कि हम जैसे दिखने वाले किसान जब अपना अनाज लेकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं तो उनके लुक्स की वजह से उनसे कोई भी अनाज नहीं खरीदता है और उनका सारा अनाज खराब हो जाता है और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि वो सब के सब अपनी निजी जिंदगी में रोज उठाते हैं। लेकिन तभी दूसरा ऑफिसर वीर अपने आदमियों के साथ में बगनाम को पकड़ने के लिए वहां आ जाता है, लेकिन बगनाम वहां से बचकर निकल जाता है और फिर हम अमन और उस ऑफिसर वीर को साथ में देखते हैं, जहां अमन उसे समझा रहा था कि हम नॉर्थ साउथ और ईस्ट में पूरी तरह से बढ़ चुके हैं तो एक इंडियन खुद को कैसे बोले कि वो सिर्फ इंडियन है। लोगों के लुक्स को लेकर, उनकी भाषा को लेकर हर जगह भेदभाव हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि चोरी छुपे जॉनसन के आदमियों पर हमला कर देते हैं जिससे कि निको की मौत हो जाती है। जहां निको की माँ आकर अमन से अपना दुख बांटती है, वो कहती है कि वो तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रही थी लेकिन फिर भी उनका बेटा मारा गया है। हमले को करवाने की वजह जब अमन अक्रम से पूछता है तो अक्रम उसे बताता है कि टाइगर सांगा अब शांति समझौते के लिए मान गया है और इसलिए हमला करना जरूरी था। लेकिन अभी तक अक्रम को यही लग रहा था कि जॉनसन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अमन उसे बताता है कि जॉनसन एक ग्रुप है। फिर अक्रम अमन को बाग नाम को पकड़ने के लिए मेहमान भेजता है क्योंकि वो वहीं पर छुपा हुआ था और इस बार अमन के साथ में सर्जिकल स्ट्राइक एक्सपर्ट टीम भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मेडो को देखते हैं जो कि रिंग में जाने के लिए तैयार हो रही थी क्योंकि आज उसका मैच हरियाणा की उस लड़की के साथ में था जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ अमन भी सोल्जर्स के साथ में बागनाम को वहां पकड़ने के लिए पहुंच जाता है और अब उसके साथ ही बागनाम को पकड़ लेते हैं और उसे मारने ही वाले थे कि अमन उन्हें रोक कर बागनाम को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर देकर उसे पुलिस से गिरफ्तार करवा देता है। वहीं एडो भी ये फाइट जीत जाती है और अब वो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेगी। सो गाइस, एट द एंड ऑफ मूवी अमन अक्रम से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता है और अक्रम भी टाइगर सांगा से शांति समझौता करके कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास कश्मीर चला जाता है। वहीं हम एडो को देखते हैं जो कि बॉक्सिंग टूर्नामेंट के सारे मैच जीत जाती है और इंडिया का नाम रोशन कर देती है। मूवी के एंडिंग में मुझे थोड़ी सी कमी जरूर लगी, लेकिन ऐसी मूवीज हमारे समाज को आईना दिखाने का काम करती हैं क्योंकि इस भेदभाव के होते हुए भी हम ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारा समाज काफी पिछड़ा हुआ है। वहीं आयुष्मान खुराना की एक्टिंग काबिले तारीफ है, तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूंगी कि इसका डायरेक्शन भी ठीक है और इसे आप थिएटर में जाकर जरूर देखिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि हमारी फैमिली में कौन कौन नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के क्या क्या नाम है। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए।